फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। तो इसमें ये बोल रहा है कि थ्री से ऐसी क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही डिजिट आ जानी चाहिए, राइट। अगर हम ऐसे बोलें कि 3 मल्टीप्लाई ज़ीरो किया तो वो कितना आ गया, 0। यानी कि ये जो संख्या है वही संख्या इससे प्रोडक्ट में आ जानी चाहिए, राइट। अगर हम बात करें, ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट जो ए डिजिट है उससे से भी मल्टीप्लाई कर कर वही डिजिट आ रही है ए, ठीक है। जैसे कि हमने बात करा, जैसे 3 मल्टीप्लाई 0 हो गया, या फिर हम बात करें 3 मल्टीप्लाई 5 कर रहे हैं जैसे हम, तो उसके यूनिट प्लेस पे कितना आता है, 5 ही आता है। यानी कि जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। यही तो लिखा जाएगा, फिर आगे ऊपर क्या आ जाएगा इसका, 1 या 2, किस तरीके से भी जो भी है इसमें आना चाहिए वही इसमें आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें बी की वैल्यू इसमें पता लगानी है। ये तो समझ में आ गया कि इसमें किस तरीके से इसमें ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ए बी मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड इसका किसका है, बी ए और सी, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई अगर हमने 0 से करा, 0 से करेंगे तो बी की जगह तो 0 आ जाएगा, लेकिन बी की जगह हम 1 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 आएगा, ना कि 1 आएगा, तो ये तो कैंसिल है। तो बी की जगह हम सिर्फ 0 ही लिख सकते हैं। अगर हम 2 करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 2 नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि बी की जगह तो हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। बी की वैल्यू पता चल गई, यानी कि यहाँ हम इसे प्लेस करके यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 0, और नीचे वाला भी बी की जगह कितना आ जाएगा, 0। अब रही बात ए की वैल्यू निकालने में, अब ये क्या बोल रहा है कि 3 से ऐसी कोई मल्टीपल करना है जिसका मल्टीपल करके वही संख्या आ जाए जैसे बी में आ रही थी। अब 0 तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी भी आना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी डिजिट आनी चाहिए। अब 3 से हमने 1 की मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी नहीं होगा, 2 से करेंगे तो 3 2 6 वो भी नहीं आएगा, राइट। 3 से करेंगे तो 3 3 9 होगा, 3 नहीं आ रहा उसमें, राइट। अब क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा, 3 4 यहाँ पर हमने 4 करा तो 3 4 12, यहाँ पे 2 आ जाएगा जो कि इससे अलग है, राइट। 5 से करा अगर हमने तो 3 5 कितना होता है, 15। तो यहाँ पर जो कैरी आएगा, यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो 5 ही आएगा, यानी कि ए की वैल्यू भी 5 और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आई, 5, और 1 का कैरी भी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे मैं रेज कर देती हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि बी की जगह तो 0 है और ए की जगह 5 है, और यहाँ पर 3 मल्टीपल हो रहा है तो 3 0 0, 3 3 5 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की जगह 5 है, बी की जगह 0 है, और सी की जगह क्या है, 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, इसकी वैल्यूज हो गई, ठीक है।